पिथौरागढ़ नगर के शांत वातावरण में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रमुख संस्थान मानस एकेडमी पिथौरागढ़। नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। मतदान के दिन जिले की 4 विधानसभा में बनाए गए स्पेशल बूथ विशेष रूप से सजाए जाएंगे। उपजिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया, सभी विधानसभाओं में हमारे पिंक बूथ बने हैं जो वीमेन बूथ हैं, इसके साथ साथ दिव्यांग बूथ बने हैं। हमने सभी विधानसभाओं में एक एक जो है यूथ बूथ भी बनाए हैं और 2 बूथ हमारे ऐसे हैं जो स्पेशल बूथ हैं जो हमारे जनजाति वनराजी जनजाति क्षेत्र वाले बूथ हैं, उनको हमने स्पेशल बूथ बनाए हैं। 2 बूथ ऐसे हैं हमारे। कि धारचूला में प्राथमिक विद्यालय नपलचू, राजकीय इंटर कॉलेज डीडीहाट, प्राथमिक विद्यालय टकाना, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुंजनपुर को सखी बूथ, राजकीय इंटर कॉलेज खूमती, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौरासी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मढ़, राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्रिपुरा देवी को दिव्यांग बूथ, ITI अस्कोट, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंडा को यूथ बूथ और राजकीय प्राथमिक विद्यालय किमखोला और राजकीय प्राथमिक विद्यालय किरौली को यूनिक बूथ बनाया गया है। इन सभी बूथों पर सारी व्यवस्थाओं के साथ ही इन्हें विशेष रूप से सजाया गया है। पिथौरागढ़ के सेरा गांव से जयकारों के बीच माउलका देवी का डोला उठा। इससे पूर्व सेरा गांव के आंगन में देव डांगर अवतरित हुए। माँ कालिका, माउलका, भवानी माता ने अवतरित होकर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। इसके बाद मैया के जयकारों के साथ डोला गांव से होते हुए माउलका देवी परिसर में पहुंचा। माता के दर्शन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। मंगलवार देर शाम ठुलीगढ़ चौकी में गेड़ाखाली निवासी अनिल कुमार ने तहरीर देकर बताया कि 10 अप्रैल की सुबह ठुलीगढ़ के पास उसके भाई गोविंद कुमार को वाहन चालक दीपक बोहरा ने तेज रफ्तार में आकर टक्कर मार दी। हादसे में उसका भाई बुरी तरह से घायल हो गया जबकि वाहन चालक मौके पर फरार हो गया, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसके भाई को हायर सेंटर रेफर कर दिया। SSI BS बिश ने बताया कि तहरीर के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ में पहली बार एशियन स्कूल लेकर आ गया है। AI लर्निंग और 5G प्ले ग्रुप, एकेडेमिक लर्निंग के साथ साथ स्पोर्ट्स, इनोवेटिव करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ। अब वसंत पंचमी से हर एडमिशन होगा बिल्कुल फ्री, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें एशियन स्कूल पिथौरागढ़। गंगोलीहाट विकासखंड के सिरौली गांव के एक युवक की मुंबई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजन गांव में बेसुध पड़े हैं। मिली जानकारी के अनुसार गांव का 29 वर्षीय युवक शंकर पुत्र जगदीश राम 1 साल से मुंबई के पवई हीरा नगर के गेस्ट हाउस में कुकिंग का काम कर रहा था। 14 अप्रैल को वह घायल अवस्था में कमरे के अंदर मिला। शरीर में चोटों के निशान, घुटना टूटा, वह बोल भी नहीं पा रहा था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गंगोलीहाट के मुंबई में रहने वाले युवकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना के बाद सिरौली गांव के लोगों ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट की है जो सोशल मीडिया में खासी वायरल हो रही है। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रामनवमी के पावन अवसर पर ऐसा संयोग बना कि घर के आंगन में पहली दफा कमल दल खिले और वह भी 5। उन्होंने लिखा कि यह कुदरत का अद्भुत संयोग है जो प्रदेश के 5 लोकसभा सीट पर भाजपा की विजयश्री का संकेत दे रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल ने बताया कि 4 विधानसभाओं में SBI पिथौरागढ़, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिला सहकारी बैंक PNB, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ICICI और केनरा बैंक ने मॉडल बूथ बनाने में सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा 13 बैंकों ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए 20 व्हीलचेयर और 10 डोली उपलब्ध कराई है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज़ इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें, साथ ही न्यूज़ संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN
सबसे अलग सबसे तेज। धन्यवाद।